अमलियात की दुनिया में मौकलात और जिन्नात को अपने कब्जे में करने का जनून बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे भयानक वाकयात को जन्म देता है कि सुनकर इंसान लरज उठता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। जिन्नात, भूत या आसेब, इन तमाम का वजूद भी इतना ही पुराना है जितनी की पुरानी इंसानी तख्लीक। इस अनदेखी मखलूक का खौफ और इसकी ताकत का गुमान इंसान को अक्सर ऐसी राहों का मुसाफिर बना देता है जिसका अंजाम तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं होता। तुमने तो जान ही निकाल दी। अभी से डरने लग गए तुम। Thank you.
दिल तो करता है ये हाथ कभी ना छोड़े। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अम्मी का क्या करूँ? तो अम्मी को मनाओ ना, उन्हें हर हाल में बरादरी से ही दामाद चाहिए, उन्हें बरादरी लेकर बैठ गई। कब तक हम ये छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तो क्यों मिलते हैं छुप छुप कर? घबराओ नहीं, बैठो बैठो बैठो। तुम लोगों के से घर से तमाम काम के खाती हूँ, पीती हूँ, गुजारे करती हूँ, तुम लोगों के लिए कभी मुश्किल नहीं बनूंगी। ना ना ना, तुम लोगों की मुश्किल का हल है, आसानी है मेरे पास। वो कैसे? क्या मलंगनी जी, वाकई आपके पास हल है इस बात का? हल मेरे पास तो नहीं है, मगर जिसके पास इन तमाम परेशानियों का हल है उसका ठिकाना मैं जानती हूँ। काली बाबा, काली बाबा, एक बार काली बाबा के ठिकाने पे चले जाओ, फिर तुम लोगों की शादी में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इसकी माँ तो दूर, पूरी बरादरी भी तुम दोनों की शादी नहीं रोक सकती। है कल्ला, कहाँ रहते हैं काली बाबा? क्या क्या तुम हमको उनके पास ले चलोगी? हाँ ले जाऊंगी ना, मैं लेके जाऊंगी, परसों तैयार रहना। बाकी सब कुछ नहीं। काली बाबा का नाम लेकर मलंगनी ने मोहब्बत करने वाले इस जोड़े को दिखाए कौन से ख्वाब, या फिर इन ख्वाबों की ताबीर थी कितनी हौलनाक। सायरा और अनवर ने काली बाबा के आस्ताने पर देखे कौन से असरात, कैसे काली बाबा ने दम किया हुआ पानी पिलाकर खेला रोंगटे खड़े कर देने वाला भयानक खेल। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लगता ये सर का दर्द, हाँ जी सर का दर्द, ये मेरी जान ही लेके छोड़ेगा, और ठीक से दबा तेरे हाथों में जान नहीं है। अम्मा एक तो तू हर वक्त सोचती रहती है सर दर्द तो होगा। आए, सोचू ना तो क्या करूँ, और जवान बेटी की माँ हूँ, और सच पूछे ना तो ये सोचे भी तूने मुझे दी है, तू ना मुझे रोज शक में ना डाला कर। अम्मा तू भी ना बिला वजह शक करती है। अल्लाह भाग लगाए रखे, अल्लाह बाद रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बेटी का हाथ पीला करे। आमीन। ले मलंगनी आ गई है, अब मेरे सिर की दर्द भी ठीक हो जाएगी। तू जा चूल्हे पे चाय रखिए, दो कप में डाल के ले आ। हाँ आ जा, आए हाँ मेरे सर को दामी कर दे, इधर आ सामने तो आ। हक ए, हक कल्ला, हक बैठ। हक की होया माँ? क्या बताऊँ, सिर की दर्द जाती रही। सच पूछे तो ये लड़की मेरे लिए सिर का दर्द ही बन गई, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। इंशाल्लाह मिलेगा। हक माँ ऊपर बैठा है, सबकी जोड़ियां में आता है। हक हक अल्लाह, हक परेशानी।
ऐसा हो जाएगा ना, रब तेरी जुबान मुबारक करे। परेशान नहीं हूं। अरे पुसेरा ले आ जा, अक्का मर गई है। आई अम्मा। आए अम्मा चाय। हाँ चाय ले लो। अच्छा देती है। क्या हो गया अम्मा? अम्मा बड़ी मजे की चाय बनाई है आपकी कुड़ी ने। हाँ पी पी, जल्दी पी, सर आराम आ जाएगा। अम्मा पी ले पी ले, नींद अच्छी आएगी, सर का दर्द भी चला जाएगा, बस पी ले। बड़ी नींद आ रही है मुझे। पी ले पी ले अम्मा। हाँ बस पी ले, नींद। सो जा सो जा। अरे सो जा, आराम से सो जा, सो जा। चल मैं दबाती हूँ, सो जा सो जा। दबाती हूँ मलंग नहीं दबा। ये सायरा और ये अनवर। मलंगनी तू बताया ना कर, तेरा पूछा कर ये मसले का हल ये। बाबा जी वो इसलिए तो ये दोनों आपके पास आए हैं। वो बाबा जी हमारी शादी में बहुत रुकावटें हैं। अब कोई रुकावट नहीं आएगी, समझो एक महीने बाद तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। सायरा ये बहुत खास पानी है, इसे पूरे का पूरा पी जाओ।
अब तुम्हारी माँ और कोई भी बराबरी ना इनकार नहीं करेगा। अनवर, तुम एक महीने बाद अपने अम्मा और अब्बा को रिश्ते के लिए भेज देना। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम दोनों एक माह तक एक दूसरे से मिलोगे नहीं और ना ही फोन पे बात करोगे। जी बाबा जी, लेकिन 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 कुछ नहीं, क्या दिया ना, नहीं मिलोगे तो नहीं, अल्लाह सारा अमल खराब हो जाएगा। रुक जाओ, कहा ना सबर करो, सबर करो। जा, तुम इन बातों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, जाओ तुम। हो सकता है कि तुम्हें दोबारा बुलाना पड़े, मुझे सिर्फ तुम्हें अकेले। अब तुम जाओ, घर जाओ, तुम जाओ। रोटी खा लूर, क्या हुआ तुम? तेरी पता ना, कौन है तू? सारा पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ। सारा बढ़िया, दूर हो जा। क्या हो गया? या अल्लाह, अल्लाह खैरे हैं मलंगनी? अच्छा हुआ तू आ गई, इसे देख पता नहीं क्या हो गया, कल से गुमसुम थी, अब चीखे मार रही है, पता नहीं कैसी कैसी बातें। इस पर तो किसी चीज का साया आ गया। अल्लाह, ये कौन सा अज़ाब नाज़िल हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? देख मलंगनी, तू तो सब कुछ जानती है ना, तू इसका ठीक कर सकती है तो ठीक कर दे। माँ, कोई छोटी मोटी चीज का सेब होता ना तो मैं कुछ कर देती। इसको काली बाबा के पास, हाँ काली बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। काली बाबा? हाँ, बहुत पहुँचा हुआ है, बहुत पहुँचा हुआ है। बड़े बड़े जिन, बड़े बड़ी चुड़ैले उसके सामने सर नहीं उठाती। माँ, इसको उसके पास लेके जा, चल अभी लेके चलते हैं। चल 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 चल। कहते हैं कि जादू टूने की दुनिया में अक्सर किया जाने वाला अमल उल्टा भी हो जाता है। अब सायरा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जिस बाबा जी के आस्थाने पर गई, लेकिन आखिर वो कौन था जो उस पर वहाँ आशिक हो गया? क्या वाकई उस आसेब का तोड़ उस काली बाबा के आस्थाने पर था या वहाँ बिछाया गया था एक जाल? ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
सायरा को फोन करूं या ना करूं? काली बाबा ने तो कहा था कि ना करूं, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कर ही लेता हूं, अल्लाह जाने किस हाल में होगी। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। कहीं वो दोबारा बाबे के आस्ताने पे तो नहीं चली गई? लेकिन सायरा की माँ भी घर पे नहीं है, रात के इस वक्त कहाँ जा सकते हैं ये लोग? वेरी गुड, शाबाश। आगे देखो सर, सायरा को बचा ले सर। सर वो उसे मार डालेगा सर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सर। कौन सायरा कौन मार डालेगा, आराम से बताओ। शाबाश सर। सर सर काली बाबा सर। ये कौन है? वो उसे मार डालेगा सर। सर वो जब कहीं नहीं मिली तो मैं उसके आस्ताने में गया सर। जिद्दी और खौफनाक चड़ेल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जिसने तुम्हारी बेटी पर कब्जा जमा रखा है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। मैंने काफी देर इसके साथ मुकाबला किया, लेकिन ये ऐसे ही जाने वाली नहीं है। पर पापा जी, क्या ये सारी उम्र ऐसी रहेगी, इस तरह जाएगी? चुड़ैल कोई हल बताए जी। इसका हल है, चुड़ैल की शादी करवानी पड़ेगी। चुड़ैल की शादी? वो कैसे जी? हाँ, चुड़ैल इस लड़की में है, और जिससे इस लड़की की शादी होगी, चुड़ैल की शादी भी उसी से हो जाएगी। और चुड़ैल खुद ब खुद कुछ दिनों बाद चली जाएगी। मगर बाबा जी, इसकी हालत देखे, इसकी हालत देख के लोग क्या कहेंगे, कौन करेगा इसके साथ शादी? ये रिस्क तो किसी ना किसी को लेना होगा, और ये रिस्क मैं ही ले सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है बाबा जी? बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ यही एक हल है। बता, तुझे तेरी बेटी सलामत चाहिए या नहीं? हाँ जी ताई जी, क्या करूं? अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो तो इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो। ये क्या किया तुमने सायरा के साथ? वो मेरा प्यार है, और उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? सायरा मैं तुम्हारा अनवर, तुम्हारा प्यार। कौन अनवर? द
दफा हो जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ काली बाबा से शादी करूंगी। तू हमारे गांव का ये मुंडिया? हाँ, यही है वो कमबख्त जो तुम्हारी बेटी पर काला इलम और तबीज धागे करवाता पूजा, और वो सारा असर इस पर उल्टा पड़ रहा है। पास बंद कर। तुम्हारी ये जुरत कि काली बाबा के सामने तुम गुस्ताखी करो, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। काली रात काला नागर काली कब्र से निकालू सारी बात, काली रात की काली नागर कब्र से निकालू तेरे बाबा। तुम्हारी ये जुरत काली रात काली नागन काली करो मैं बात। इस बलाए छोड़ दी सर, दो दिन में बुखार बुखार में तड़प तड़ा सर। सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, उसको बचा ले सर प्लीज सर। ठीक है, अब हम घर जाएं, हम देखते हैं। तो क्या पुलिस आसानी से सायरा को काली बाबा के चुंगल से छुड़ाने में कामयाब हो गई, या फिर इन अनदेखी बलाओं के जरिए अनवर पर हमला करवाने वाले काली बाबा ने किया पुलिस को एक खौफनाक सूरत हाल से दोचार? आखिर किस मजबूरी की बिना पर मलंगनी इन वारदातों में काली बाबा का देते रही साथ? ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यहां पर तो कोई नहीं, देखो सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सर लगता है उसे हमारे आने की हिम्मत पाए। हालात देखकर लगता है कि यहाँ पर हो अनवर। सर अंदर तो कोई मौजूद नहीं है, ये बताओ कि उसका इसके अलावा भी कोई ठिकाना है? सर ठिकाना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर मलंगनी को जरूर मालूम। मलंगनी वो कहाँ मिलेगी? सर रात को रोज वो हमारे गांव में फिर रही होगी। सर मेरा ख्याल है कि वो वहीं पे मिले। चलो फिर। सर हो सकता है वो यहीं कहीं हो, वो सायरा की माँ के घर होगी। सर सर सायरा की हालत बहुत बुरी, सर प्लीज जल्दी चलें। सर सर जल्दी चलें। सर वो रही मलंगनी, वो पकड़ो हरी अप जाना ना भाई।
ऐसे बेरूबियों के रोज जिम निकल गए यहाँ। मैडम मैं बताती हूँ मैडम। बताओ कहाँ है सारा और कौन है ये काली बाबा, कहाँ पर मिलेगा अभी बोलो। वो काला जादू करता है, उसके आस्थाने में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ बहुत सारी अनदेखी चीजें होती है जो उसकी हिफाजत करती है। मैडम आप लोग भी वहां मत जाना वहां पे। पुलिस को डरा रही हो? नहीं मैडम मैं डरा नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। वो बहुत खतरनाक इंसान है। जहाँ वो जिन्नों को काबू करता है ना, वहीं पे जिस लड़की पे उसका दिल आ जाए ना, उसको वही खास पानी पिलाता है। फिर वो ना वही बोलती है जो काली बाबा कहता है। क्या सारा को उसने वही पानी पिलाया था? जी सर, उसने उसको वही पानी पिलाया है मैडम। तभी तो वो शादी के लिए मान गई थी मैडम, वही मैं सच कह रही हूँ। तुम ये सब जानते हुए भी लड़कियों को उसके पास भेजती रही हो? मैडम वो मुझे थोड़े बहुत पैसे देता था, पेट की आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पेट की आग बुझाने के लिए तुम लोगों की लड़कियों को बर्बाद कर रही हो। सायरा कहाँ है इस वक्त बताओ। मैडम मैं ये तो नहीं जानती सायरा कहाँ है, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हम उसके पानी का असर खत्म हो गया होगा, वो सब जान गई होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती जब तक काली बाबा कुछ नहीं चाहेगा। जब तक काली बाबा नहीं चाहेगा वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। यही तो पूछ रही हूँ कहाँ है इस वक्त वो काली बाबा। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसके किसी और ठिकाने का नहीं पता। लेकिन एक दिन के बाद वो अपने आस्थाने पे आता है, वो वही चिल्ला काटता है। वो कल आएगा, कल पक्का वहां आएगा। वो हो सकता है मैडम सायरा भी वहां पे आ गई हो, उसके साथ हो, मैं सच कह रही हूं। आप जो चाहते थे वो हो गया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? पहली बार काली बाबा पर किसी लड़की ने जादू किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, अगर कुछ जानने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। मेरी मुलाकात आई है, यहां से हिलने की कोशिश मत करना। मैं भी मुलाकात करके आता हूं। रुक जाओ काली, वरना मैं पूरे मुझे गोली चलाना पड़ेगी।
वालों, चलो। तुम लोग आज से कह रहे हो मेरे जिन तुम लोगों के खानदानों को बर्बाद कर देंगे। निकालो इसके जिन और इसकी सारी जादूगरी। इस काली बाबा जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद जरूर होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ऐसे लोग हमारा उस वक्त तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम इन्हें खुद मौका नहीं देते। तल्ख हकीकत तो ये है कि तावीज गंडे और ये जिन भूत हम पर इतना असर नहीं करते जितना हमारे अंदर का खौफ हमें निढाल कर देता है। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, जहालत और गुमराही से बचिए। इसी के साथ जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक का हमेशा की तरह रहेगा इंतजार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।